गोसाईगंज क्षेत्र के अंतर्गत राम सराय गुदौली की रहने वाली रेणु पत्नी सत्येंद्र को गोसाईगंज पुलिस ने बुरी तरह मार मार कर महिला को किया मरणासन्न। महिला पहुंची वन स्टॉप सेंटर। महिला ने अपनी व अपने पति की जान को पुलिस से बताया खतरा। गोसाईगंज पुलिस का काला कारनामा आया सामने। TV24 समाचार के लिए लखनऊ मंडल ब्यूरो वशिष्ठ चौबे की रिपोर्ट। अरे क्या कर रहे हो, कहन कर लू कहाँ गए, कहन काम पर नहीं है, कहन इस माइक बेचते, हम कहन न सर बस, कहन चलो अपनी गुमटी खोलो चले, हम कहन सर गुमटी में कुछ नहीं है, कहन नहीं चलो खोलो चले, वहाँ गए ताला खोलें, बस गुमटी में निखरी इस माइक, बस गाड़ी बैठा लीन चले गए, वहाँ बंद कर लीन किमाड़ा मारिन, और कहला कि तुम तुम्हारे गांव से रोज रोज फोन आता था कि इनकी गुमटी में स्मायक है, इसीलिए हम आज सुबह सुबह अट गए तुम्हारे यहाँ। सर पुड़िया निकला इसमें? 30 पुड़िया सर, दिखाई नहीं, केवल पुड़िया दिखाई ना, पुड़िया दिखाई, उसके अंदर नहीं दिखाई? हाँ उसके अंदर कुछ नहीं दिखाई, का है का नहीं है। तो आरोप लगा रहे थे पुलिस वाले कि तुम स्मायक बेचते हो? हाँ जी सर। पुलिस कहाँ, रास्ते में भी मारी थी कि थाने में मारी? थाने में मारी न। महिला पुलिस थी साथ में? जी सर। तो महिला पुलिस ने मारा कि पुरुष पुलिस ने मारा? महिला ने नहीं मारा, पुरुष ने मारा। पुरुष ने मारा, कहाँ कहाँ चोट आई है तुम्हें? छोटी साइड में ज्यादा है। पेट में भी चोट लगी है? नहीं सर। और कहाँ लगी है? पैर में नहीं है, दोनों पैरन में मारी, हाथन मारी, इधर मारी। किस चीज से मारा था? डंडा से। लगभग कितने डंडे मारे होंगे? सर हम गिनन तो रन नहीं करते मारें। क्या प्रशासन से क्या मांग करना चाहती हो? सर न्याय चाहते हैं। न्याय? तो अपनी पूरी बात आप यहाँ वन स्टॉप सेंटर पे आई हो, यहाँ एप्लीकेशन दिया? जी। कृपया अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।